Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to cover our next topic, that is pollination. Okay, ये topic हमने पहले भी discuss किया है, ये topic पहले भी हमारे discussion में काफी बार आ चुका है. What is pollination? Pollination basically means transfer of pollen grain from anther to the stigma of a female reproductive organ of a flower. This is known as pollination. Let's picturize it. How does it look like? What does it actually mean? Okay. See, imagine this is your male reproductive world. Okay, this is your male reproductive world, the filament and the anther. And this is your ovary. Okay? Female reproductive organ, that is ovary, ovules, ovule, style, and stigma. Okay. So, pollination में होता क्या है कि आपका ये जो male reproductive part है flower का, इसके anther के अंदर, anther का कुछ ऐसा structure हमने पहले भी देखा है, dipetal structure, जिसके अंदर छोटे-छोटे pollen grains होते हैं. जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है. ओके, सो एंथर के अंदर के ये पोलन ग्रेन्स जो है, जब ये पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होने के बाद हमारे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो हाउ डू वी डिफाइन दिस पॉलिनेशन? हाउ डू वी डिफाइन इट? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. That is known as pollination. So, dear friends, dear students, this was the definition of your pollination. Now, we need to understand some important characteristics before understanding the actual concept of pollination. Pollination को समझने से पहले हमको pollen grain और ovules दोनों के थोड़े-थोड़े important characteristics को समझना बहुत important है. जो important words होंगे, we will be highlighting them. Okay. So, this is the visualization of your textbook PDF. Okay. तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं एग्जैक्टली ये आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटेड है. तो इट विल बी काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू व्हेन यू विल लुक बैक इनटू द टेक्स्ट बुक आफ्टर यू आर डन वाचिंग दिस वीडियो. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉलिनेशन? पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल. दिस वर्ड, व्हाट इज नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल मीन्स द पोलन ग्रेन्स, दीज पोलन ग्रेन्स, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन देयर ओन. जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल स्पर्म्स जो होते हैं, दे हैव अ टेल. ओके, दिस इज अ मेल स्पर्म, तो दे हैव अ टेल विच आर हेल्पिंग देम इन स्विमिंग. ओके, तो ये जो स्पर्म होते हैं ये स्विम करके फीमेल ओवरी तक पहुंच सकते हैं. लेकिन हमारे जो बेचारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन है, ओके, द प्लांट्स दे डू नॉट हैव एनी मोटाइल सेक्सुअल ऑर्गन्स. ओके, सो द पोलन ग्रेन्स विच आर देयर इन द एंथर, उनको यहां तक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने तक वी नीड डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स. एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और यू कैन से सपोर्टर्स और हेल्पर्स लाइक अ पोस्टमैन. ओके, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा? दैट द पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. ओके, एंजियोस्पर्म्स हैव इवॉल्व द स्ट्रैटेजी टू यूज अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. अभी मैंने एजेंट्स का वर्ड लिया, एजेंट्स का नाम निकाला था कि पॉलिनेशन करने में इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स की जरूरत होती है, तो वो होते हैं हमारे एजेंट्स. अब यहाँ पर दो टाइप के एजेंट्स कैटेगराइज करके बताए गए हैं, पहला है अबायोटिक एजेंट और दूसरा है बायोटिक एजेंट. नाउ दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड इन योर अर्लियर स्कूल सेक्शन, कि बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है. बायोटिक मीन्स समथिंग विच इज लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. ओके, सो यहाँ पर हमारा काम क्या है, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल? कि पॉलिनेशन होना चाहिए. पॉलिनेशन का मतलब एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कैसे भी पहुंचे. ओके, सो दो तरीके होते हैं एंथर को, पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के. पहला होता है अबायोटिक वे और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट. अबायोटिक एजेंट के दो अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं हमको, विंड एंड वॉटर. और बायोटिक एजेंट्स में आते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा. ओके, सो What do these agents do? ये agents क्या करते हैं? They transfer these non-motile pollen grains to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility
फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल, मतलब एंजियोस्पर्म्स नेचर ने कुछ इस तरीके से एंजियोस्पर्म्स को बनाया है कि वो अपने एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, हम बर्ड्स या इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, चाहे मेल फ्लावर हो चाहे फीमेल फ्लावर हो, वो उनमें पर्टिकुलर पेटल्स होते हैं, जो हमने कार्पल के बारे में पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे फ्लावर का, टिपिकल फ्लावर का। तो ये फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब उनका एक पेक्यूलर पॉइंट होता है कि वो इन एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि उससे उनका जो नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक सक्सेसफुली पहुंच सके। ओके, अब आगे क्या दिया गया है हमको इधर पे, दैट पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल एंड दे आर यूजुअली कैरीड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। सेम थिंग जो यहाँ पर बोला उसी को हमको यहाँ पर शॉर्ट में कैटेगराइज करके बताया है कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो उनको वो पोलन ग्रेन्स क्या किसकी हेल्प लेते हैं, एजेंट्स की हेल्प लेते हैं, और वो एजेंट्स क्या करते हैं, उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करते हैं। ये एक फ्लावर का मेल पार्ट है, ये दूसरे फ्लावर का फीमेल ऑर्गन है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक किसने मदद की हमको पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने में, एजेंट्स ने मदद की। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया गया पॉलिनेशन। यस, क्या दिया गया है आगे हमको, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सो दिस इज योर डेफिनेशन। ओके, सो हमने अभी डिफाइन किया था पॉलिनेशन को। What is our definition for pollination? What is our definition? Pollination is nothing but the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. This is your definition. You can mark it as important note. Okay? तो क्योंकि अगर जब भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले किसी भी प्रोसेस का डेफिनेशन डिफाइन करना होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छे से आपको अब समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज पॉलिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से हमने पोलन ग्रेन लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में वो पोलन ग्रेन को अटैच कर दिया। दिस इज पॉलिनेशन। पर ये अपने आप नहीं हुआ, मतलब पोलन ग्रेन्स अपने आप से उड़कर गए नहीं, तो किसकी मदद ली पोलन ग्रेन्स ने, अभी हमने डिस्कस किया था, एजेंट्स की मदद ली। दो टाइप के एजेंट्स कौन से बताए गए हैं हमको यहाँ पर, एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स और एक होते हैं अबायोटिक एजेंट्स। डू नॉट फॉरगेट दिस। ओके, इट इज प्री रिक्विजिट एज इन इट इज द अर्लियर स्टेप बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, जस्ट द स्टेप बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, मैं जब पॉलिनेशन की बात कर रही हूँ तो मैं फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। फर्टिलाइजेशन इस स्टेप के बाद होगा। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि सिर्फ हम एंथर में से पोलन ग्रेन को ले रहे हैं और स्टिग्मा के ऊपर उसको अटैच कर रहे हैं। अब स्टिग्मा के ऊपर अटैच करने के बाद जब ये पोलन ट्यूब बनाएगा, हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर वो ओवरी के एग तक पहुंचेगा, वो सब बाद का स्टेज है, वो सब फर्टिलाइजेशन में आता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले पॉलिनेशन होना चाहिए, मतलब पहले पोलन ग्रेन पहुंचना तो चाहिए स्टिग्मा तक। सो इट इज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, अ स्टेप बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, बिकॉज व्हाई, बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ओके, ना तो यहाँ पर हमारा फिलामेंट चलकर जा सकता है ओवरी तक, और ना ही ओवरी को पर है या टेल है कि वो यहां तक आ जाए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन्स नॉन मोटाइल है प्लांट्स के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मोर ओवर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट टू डिफरेंट साइड्स। डेफिनेटली यहाँ पर गैमेट्स अलग साइड पे बनते हैं और ओवरी के अंदर गैमेट्स अलग साइड पे बनते हैं। हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में ये चीजें अच्छे से समझी है कि मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर बनता है और फीमेल गैमेट बनता है ओव्यूल के अंदर। दोनों का साइज अलग अलग है। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एजेंट्स के बारे में। ऑलराइट, ओके,
एजेंट्स के बारे में समझने से पहले यहाँ पर हमको पॉलिनेशन का एक और छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पॉलिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर्स ऑन अ सिंगल प्लांट। दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। मतलब इसका मतलब क्या है, इमेजिन दिस एज योर प्लांट। ओके, दीज आर द स्टेम्स एंड दीज आर द फ्लावर्स। प्लीज डोंट जज मी ऑन माई ड्रॉइंग। ओके, नाउ सपोज दीज आर योर फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर। हिबिस्कस का अगर एग्जाम्पल ले लें तो हिबिस्कस का फ्लावर, इफ यू रिमेम्बर, ये आपकी ओवरी और यहां से आपके निकलेंगे फिलामेंट्स। मतलब हिबिस्कस या चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं, वो एक ऐसा फ्लावर है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में है। तो यहां से पोलन ग्रेन मैच्योर होकर यहीं पर गिरेगा, मतलब किसी दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो अपने अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, अपने अंदर ही पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि खुद के साथ ही फर्टिलाइजेशन कर लेना, अंदर ही अंदर अपना पोलन ग्रेन स्टिग्मा को ट्रांसफर कर देना। या तो फिर एक तरीका ये है, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वन पॉसिबल वे इज दिस, जो यहाँ पर लिखा है, दैट इट कैन टेक प्लेस इन सिंगल फ्लावर। और जो सेकंड ऑप्शन है, और विद इन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेकंड ऑप्शन क्या है, विद इन द टू फ्लावर्स ऑफ अ सिंगल प्लांट। समझो यहाँ का कोई आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर इस फ्लावर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहां से जो पोलन ग्रेन्स है वो यहां पर आ जाएंगे। मतलब एक ही प्लांट है, इसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेशन हुआ है। सो दिस इज डिफाइंड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ऑलराइट, आगे क्या दिया गया है। अब इसके अपोजिट अगर आपको मैं क्रॉस पॉलिनेशन डिफाइन करने के लिए बोलूं तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, अगर सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है या एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, वेरी इजी, दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। अब जब दो अलग अलग प्लांट्स की हम बात करते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि ये दो अलग अलग प्लांट्स सेम स्पीशीज के होंगे कि अलग स्पीशीज के होंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस टू हैव दिस कंफ्यूजन। लेट्स सी व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther of one flower to stigma of another flower. These two important words are very important to remember from point of view of cross pollination. Okay, cross pollination में क्या हो रहा है, say anther is transferring to stigma, लेकिन किसका anther, किसके stigma को। So here in cross pollination, pollen grains from the anther of one flower is getting transferred to the stigma of another flower, okay, of different plants. Please make this point very important, that it is being transferred to the stigma of two different plants. It can be of the same species, it can be of the different species. We will learn about it further. So cross pollination mein kya ho raha hai, this is your one plant, and this is your another plant, समझो इस फ्लावर में आपका फिलामेंट है, इसमें एंथर है, और इस फ्लावर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो यहां से एंथर, ये प्लांट वन से प्लांट टू में ट्रांसफर हुआ, प्लांट वन के एंथर में से पोलन ग्रेन्स गॉट ट्रांसफर्ड इनटू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट टू, that is cross pollination. This is self pollination. This is cross pollination. Okay? I hope it is very clear to you. Okay. अब आगे क्या दिया है हमको यहां पर,
दैट द पॉलिनेशन क्या दिया गया है हमको इधर पे, पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन. लेट सी व्हाट आर दैट. So, pollination can be further divided into three types. The three types are that we are going to discuss in detail. The first one is self-pollination. Another term for self-pollination is autogamy. Second one is gitonogamy, which is again a type of self-pollination. And gitonogamy is further explained with the help of xenogamy. Okay? So, तीन type के pollination हम देखने वाले हैं. पहला है autogamy, दूसरा है gitonogamy, and the third one is xenogamy. Another term for xenogamy is allogamy. Okay, what is another term for xenogamy? It is allogamy. Okay. First, let us try to understand each one, one by one. Okay. Alright. We will first try to understand about autogamy. What is autogamy? Auto means what? Auto means self. And gamy means what? Marriage. Auto means what? Self. And gamy means what? Marriage. This gamy is applicable to all the three types that we are going to study. Okay? So gamy तीनों के लिए common है. सिर्फ ये फर्स्ट वर्ड का मतलब जो पहला वाला प्रीफिक्स है सिर्फ उसका मीनिंग बदलते जाएगा. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. ओके सो इट इज काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. और जैसे हमने पहले डिस्कस किया सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन ओवर हियर. इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके क्या वर्ड यूज किया है यहां पर? बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है? समझो हम ये बना रहे हैं चाइना रोज, मतलब हिबिस्कस जो आप बोलते हो. ओके लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दीज आर योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? बाय मीन्स टू एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट टुगेदर. दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही साथ प्रेजेंट है. तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, आकर पॉलिनेशन हो गया. दिस इज सेल्फ मैरिज. मतलब एक फ्लावर ने, एक प्लांट में जो फ्लावर है उस फ्लावर ने अपने ही मेल और फीमेल गैमेट्स के साथ पॉलिनेशन कर लिया. उसको किसी दूसरे फ्लावर की भी जरूरत नहीं पड़ी या किसी दूसरे प्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ी. दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और यू कैन से ऑटोगैमी. ओके अब इसका नतीजा क्या होता है? व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन हैपेंस व्हाट इज द सिमिलैरिटी और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी गेट टू सी? That the offsprings are genetically identical. This is very, very important characteristics that the outcome, the product of the autogamy is genetically identical to their parents. Okay, the offsprings are genetically identical. जिसका example हमको इधर पे दिया गया है पी, हरी मटर, green वटाना जो होता है उसका example हमको दिया गया है कि उसके flowers जो होते हैं they are generally bisexual in nature and they pollinate within themselves. Okay, so this is one of the very wonderful type of pollination. Okay, अब इसके बारे में हमको एक बहुत important चीज discuss की गई है. आपके textbook में एक box दिया होता है always remember का. Let us try to see कि उसमें क्या दिया है. This is about self pollination only. Okay, let's see. Flowers which use autogamy, they consist of several adaptations. Adaptation का मतलब क्या होता है? Adjusting yourself with the nature, with the changing nature, with the changing environment. जब कोई प्लांट या कोई फ्लावर नेचर के साथ खुद को
एडजस्ट करता है उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन. ओके, सो फ्लावर्स विच यूज ऑटोगैमी, द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो ऑटोगैमी करते हैं, दे कंटिन्यूअसली अडेप्ट द चेंजिंग नेचर. और वो अडेप्टेशन कहाँ देखने को मिलता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर फ्लावर. मतलब जैसे जैसे नेचर बदलता है वैसे वैसे हमको, जैसे आज हमको चाइना रोज रेड कलर में देखने को मिलता है या मल्टीपल कलर्स में जो देखने को मिलता है, हो सकता है कि आने वाले 20 साल के बाद 30 साल के बाद उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाए. स्ट्रक्चर मतलब नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर ले. ओके, इट इज वेरी मच पॉसिबल. ओके, सो ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है हमको? ऑटोगैमी में, सेल्फ पॉलिनेशन वाले पार्ट. In it, what happens that the flower adapts itself and it shows the difference in the structure of the flower. Okay, to facilitate this process, मतलब ताकि self pollination आसानी से होते रहे. Okay, it occurs without external pollinating agents. क्या होता है यहाँ पर? कोई भी external pollinating agent involved नहीं है because it is autogamy. Autogamy मतलब एक ही flower में male organ भी है और female organ भी है. ब्लैक एंड रेड, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल. अब एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो बाहर से ना तो विंड के आने की जरूरत है ना ही किसी इंसेक्ट की जरूरत है. अपने आप जब इसका एंथर का मैचुरेशन होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएंगे. बाहर से किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट, दैट इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल एजेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, when flower opens to expose its sex organs it is called as chasmogamous. very important point. kya bola hai, read it again. jab aapka flower mature ho jata hai and when it opens taki uske reproductive organs, samjho pehle flower closed hai but when it is matured and when it opens kuch is tarike se ki uske reproductive organs visible ho jaye, us process ko hum bolte hain chasmogamous. क्या बोलते हैं हम उसको? चैस्मोगैमस. दैट नाउ द फ्लावर इज मैच्योर्ड एंड इट इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, द कंट्रीवर्सेस दैट इज अ कंडीशन दैट लीड्स टू फेवर सेल्फ पॉलिनेशन आर. ये इसका मतलब क्या है? कंट्रीवर्सेस का मतलब क्या है? अ कंडीशन. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? पहला, द फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल. एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ, लाइक हिबिस्कस. होमोगैमी हम उसको बोल सकते हैं. होमोगैमी इज नथिंग बट सेल्फ पॉलिनेशन. मेल एंड मेल गैमेट इज ऑल्सो विद इन द सेम फ्लावर एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो विद इन द सेम फ्लावर. एंड इट इज क्लिस्टोगैमी. व्हाट डू वी मीन बाय क्लिस्टोगैमी? तीनों का मतलब देखते हैं. ओके, फर्स्ट, बाइसेक्सुअलिटी का तो मतलब हमने देख लिया. एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल. व्हाट इज होमोगैमी? व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकम मैच्योर एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड एज होमोगैमी. हिबिस्कस फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं. अगेन, दिस इज योर ओवरी, आई मीन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब ऐसा कोई फ्लावर है, हो सकता है, कंडीशन अलग अलग हो सकती है, कि पहले आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर ना हो. या उल्टा हो सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर ना हो, वाइस वर्सा हो सकता है. तो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन. लेकिन जब आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मैच्योर हो है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मैच्योर है, दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, दोनों एक साथ एक्सपोज हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे होमोगैमी. क्या बोलेंगे हम उसको? होमोगैमी. व्हेन बोथ द एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकम्स मैच्योर एट द सेम टाइम. ओके, सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर. कुछ कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, सपोज इमेजिन दिस इज द फ्लावर एंड obviously this is the male reproductive part and this is the female reproductive part. So suppose this is a flower. अब flower open होगा उसके बाद pollination हो, it is not always possible. Okay, sometimes in exceptional cases what happens, flower fused state में है, मतलब it is still immature, लेकिन अंदर pollination हो गया, अंदर ही अंदर male
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपना पोलन ग्लैंड दे दिया है और इसको ओपन होने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मतलब विदाउट एक्सपोजिंग द ऑर्गन्स, विदाउट ओपनिंग द फ्लावर, द पॉलिनेशन हैज टेकन प्लेस. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लिस्टोगैमी. व्हाट इज इट नोन एज? क्लिस्टोगैमी. सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर एंड सच कंडीशन इज नोन एज व्हाट? क्लिस्टोगैमी. ओके, किन में देखा जाता है ये यूजुअली? इन अंडरग्राउंड फ्लावर्स, इन सम प्लांट्स. व्हाट इज गिवन ओवर हियर? अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन सम प्लांट्स विच एग्जिबिट क्लिस्टोगैमी आर नेवर ओपन. एज आई सेड कि पॉलिनेशन हो गया है तो फ्लावर को ओपन करने की क्या जरूरत है, अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और सीड्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा, इट विल बी क्लोज. एग्जाम्पल, प्लीज मेमोराइज दिस एग्जाम्पल. कॉमेलिना बैंगलेनसिस, दिस इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल दैट यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, अब बायोलॉजी में एक प्रॉब्लम यही है कि इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना होता है. बट अगेन आई विल से कि एग्जाम्पल्स को मेमोराइज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अपना बचपन याद करें और जैसे डिक्टेशन वर्ड्स लिखते थे वैसे डिक्टेशन वर्ड लिख के आप उसको रोज लर्न करें तो ही आपको ये एग्जाम्पल याद हो सकते हैं. अदरवाइज यू हैव गॉट टू हैव फोटोजेनिक मेमोरी, नहीं तो फिर आपको ये एग्जाम्पल याद नहीं होगा. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? दैट प्लांट्स लाइक वायोला और कॉमेलिना दे कैन प्रोड्यूस बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. मतलब क्या बोला है हमको इधर पे? इमेजिन दिस इज अ प्लांट, दिस इज वन ऑफ द फ्लावर, दिस इज अनदर फ्लावर, सपोज बोथ आर बाइसेक्सुअल. ओके, आपको क्या सपोज करना है? दैट बोथ आर बाइसेक्सुअल, तो मेल, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल. ओके, लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट क्या आ जाता है? चैस्मोगैमस मतलब हमने क्या देखा? जो फ्लावर मेच्योर होने के बाद ओपन हो जाएगा और फिर पॉलिनेशन होगा. सो समझो कि ये वाला फ्लावर नंबर वन इज योर चैस्मोगैमस, तो इसमें क्या होगा? आपका फ्लावर पहले मेच्योर होगा, आपके सारे रिप्रोडक्टिव वॉल्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव वॉल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ओपन होंगे, एक्सपोज होंगे और फिर पॉलिनेशन होगा. और क्लिस्टोगैमस में क्या होगा? पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, सो द फ्लावर डू नॉट नीड टू ओपन. इसमें पहले पॉलिनेशन हो चुका है तो फ्लावर को खुलने की कोई जरूरत ही नहीं. तो ये जो दो स्पीशीज है वायोलेना एंड कॉमेलिना, इनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक ही प्लांट में आपको दोनों तरीके के फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं, चैस्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज लाइक वायोला एंड कॉमेलिना. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, so now moving on to the next type of self pollination, that is what was it? Nothing but gytonogamy. Okay, now we will try to understand what is this. Let me just clear the room. Neighbor marriage. What is this? Now, this is a very confusing term. Let's see with the description that is provided to you. It is nothing but, gytonogamy is nothing but transfer of pollen grain to the stigma of different flower produced on the same plant. Definition in itself is very clear. Aapko definition se hi samajh mein aa jayega. What is gytonogamy? Ek plant hai. ओके,
इस प्लांट में ढेर सारे फ्लावर्स हैं और यहां पर हो क्या रहा है कि इस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पोलन ग्रेन बना रहा है वो इस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जा रहा है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, यहां पर अगर मैं स्टिग्मा बना दूं इस फ्लावर के अंदर, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी। दिस इज जिटोनोगैमी, दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज नेबर मैरिज। एक ही प्लांट है लेकिन दो पड़ोसी पड़ोसी फूल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मेंशन्ड है। इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखने में ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही लग रहा है कि मतलब एक फ्लावर का मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमेट ऑफ अनदर फ्लावर, सो टेक्निकली एक ही फ्लावर में कुछ नहीं हो रहा है, तो दिखने में इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कभी कभी विंड के थ्रू ये यहाँ चला जाएगा तो समझो अबायोटिक एजेंट है। कभी कभी एक बटरफ्लाई पहले यहाँ पर बैठी है फिर वो उठ के इधर पे आ गई, सो बायोटिक एजेंट इन्वॉल्व हो गया। सो इट इन्वॉल्व एजेंट्स, चाहे अबायोटिक हो चाहे बायोटिक हो। और हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट सेल्फ पॉलिनेशन। सो इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व एजेंट्स। बट दिस बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशंस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मतलब वन फ्लावर एंड अदर फ्लावर, सो इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, बट दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। अब तुम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे डाल रहे हो बट प्लांट तो एक ही है ना, सो जेनेटिक वेरिएशंस इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। ओके, सो इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एजेंट्स, बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशंस एंड इज ऑफ ओनली इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब इट इज ओनली फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जेनेटिक वेरिएशंस में हमको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एंड द एग्जांपल अगेन यू नीड टू मेमोराइज दिस एग्जांपल, कुकुरबिटा मैक्सिमा, दिस इज द एग्जांपल फॉर जिटोनोगैमी। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट दैट इज मेंशन ओवर हियर? इट इज सिमिलर टू एंटोगैमी एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम, अच्छा देयर इज अ करेक्शन ओवर हियर, इट इज नॉट एंटो इट इज ऑटोगैमी, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ओके, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बिकॉज नो जेनेटिक वेरिएशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं था, इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सो इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी एज पोलन ग्रेन्स दे कम फ्रॉम द सेम प्लांट। एक प्लांट के वन फ्लावर से उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए हैं, सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी। सो विच टू टाइप्स वी डिस्कस्ड इन डिटेल? फर्स्ट वन वॉज ऑटोगैमी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ मैरिज। The second one that we just now discussed is jitonogamy, which is also known as neighbor's marriage. Okay, but it is not cross pollination. Now the third one that we are going to discuss is xenogamy. What is xenogamy? Very simple, it is explained in the brackets itself. Xenogamy is nothing but cross pollination. Okay, cross pollination mein kya do important point hona chahiye? दो अलग अलग फ्लावर्स तो इन्वॉल्व होने ही चाहिए जैसे हमने अभी ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए यू कैन सक्सेसफुली कॉल इट एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो जीरोगैमी इज नथिंग बट क्रॉस पॉलिनेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज आउट ब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन को अभी क्या बोला था? इन ब्रीडिंग। इन मतलब एक ही फ्लावर में ब्रीडिंग हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स, दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व है। ओके, जीनो मीन्स जीनोगैमी, जीनो मीन्स अदर। ओके, और डिफरेंट, जीनो मीन्स व्हाट? अदर और डिफरेंट। डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट फ्लावर्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर एंड ओवर हियर। आई टोल्ड यू दिस टर्म अर्लियर ऑल्सो that xenogamy is also known as what?
एलोगैमी. ओके ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द पॉइंट्स दैट वी नीड टू लुक एट इट केयरफुली. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. वेट, पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी. अब ये जो चीज अंडरलाइन की है इधर पे, ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि जरूरी थोड़ी ना तो है कि हमेशा सेम स्पीशीज इन्वॉल्व हो. पहले तो समझ लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है. दिस इज योर फर्स्ट प्लांट. ओके, दिस इज योर सेकेंड प्लांट. This is your first plant and this is your second plant. Cross pollination में क्या होगा? As it is defined, pollen grain of one flower. Suppose this is our male flower and this is our female plant. So यहां से pollen grains लेंगे हम. Pollen grain of one flower is deposited on the stigma. It is deposited on the stigma of another flower. Okay? ऑफ डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट्स लिए हैं मैंने. ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, नाउ दे कैन बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दे कैन बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दे कैन बी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. ओके, फिलहाल के लिए क्या याद रखेंगे? दैट दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्ट नहीं जाएगा ये इसके पास, या तो इसको विंड की, पोलन ग्रेन को विंड की जरूरत है, या किसी बर्ड की या किसी इंसेक्ट की जरूरत है. सो इट इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी इट जनरेट्स जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन कि हमको क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोडक्ट मिलता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो जेनेटिकली कैसे होते हैं? जेनेटिकली दे आर नॉन आइडेंटिकल. ओके, दे आर डिफरेंट, दे आर जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग्स. ओके, व्हाट इज मेंशन्ड अहेड दैट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लेट मी जस्ट रब दिस आउट. या मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दे डिपेंड ऑन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. वेरी ट्रू, पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर, आपके स्टिग्मा के ऊपर जब तक पोलन ग्रेन आकर बैठेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. वर्चुअली लाइक इमेजिनरी ऑल सीड प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड. मोस्ट ऑफ नॉट इमेजिनरी, वर्चुअली मीन्स फिजिकली. ओके, एक्सटर्नली ऑल द सीड प्लांट्स दे नीड टू बी पॉलिनेटेड. जब तक आपके स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आकर नहीं बैठा है, तब तक आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. सो ऑल सीड प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड. मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड दे डिपेंड अपॉन पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन. पॉलिनेटर्स मीन्स व्हाट? अवर एजेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स. होप दैट यू आर क्लियर विथ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट वी डिस्कस्ड. विच वॉज द फर्स्ट वन? सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज ऑटोगैमी. विच वॉज द सेकेंड वन? जिटोनोगैमी, दैट इज नथिंग बट नेबर्स मैरिज, सेम प्लांट बट नेबर फ्लावर्स. एंड द थर्ड वन दैट वी डिस्कस्ड इज जीनोगैमी, दैट इज एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट फ्लावर्स. ओके, बट दे पॉलिनेट टूगेदर विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. Hope you liked our today's lecture. If you have understood it, then please, please, please make sure that you comment your feedback about our lecture today. And if you really like it a lot, then please like it, subscribe to our channel, and do not forget to share it with your as many friends as possible. Let them also get some benefit. Okay? Hope to see you soon.